के साथ ये भी उनके अंदर सामायिक है करके उनको भी सबको पकड़ के लेके जाते हैं। राजा को बोलते राजा चोर अब पकड़े गए, सबको सुली पे चढ़ा देता, मतलब ऑर्डर दे दिया ना कि मारने का सब, तो सबको सुली पे चढ़ाते हैं, जिनको भी बाकी सबको सुली पे चढ़ाते हैं सब मर जाते हैं, लेकिन ये मांडव्य ऋषि ये नहीं मरते, क्योंकि ये ऋषि है। तो सुली मतलब क्या रहता है वो अलग, अनुकुचदार ऐसा ही भाले जैसा ये रहेगा, उसके ऊपर से बिठाते हैं, ऊपर से आपको बिठाएंगे ना तो नीचे से गुजादर से अनस से ऊपर जाएगा, इधर से ऊपर निकलेगा, तो ऐसा निकलेगा तो उसी से डेथ हो जाती है, तो ऐसा सुली पे चढ़ाना मतलब ऐसा रहता है। तो इनको नीचे से वो घुसता है टीप उसका, लेकिन पूरा क्रॉस नहीं होता है, तो बीच में केवल अटक जाता है, लेकिन वो मरते नहीं। तो अभी मानो दिन में सजा की है उनको, तो उसके ऊपर बैठे अभी दूसरे दिन तक, जब तक सब लोग नहीं जगते तब तक किसी को पता नहीं है, राजा को भी नहीं पता है। अभी इसी क्षण में क्या होता है कि अभी अंधेरा हो गया ना रात को, तो उसी के ऊपर वो सजा स्थली पे बैठे हुए हैं, और हिलेंगे तो दर्द होता है, शांति बैठेंगे तो दर्द नहीं होता है। उसी समय बाजू में उग्र श्रवश करके एक ब्राह्मण रहता है, और उसकी पत्नी का नाम रहता है शिलावती, उग्र श्रवश और शिलावती। तो उग्र श्रवश है ब्राह्मण है, और ना उसको लेप्रसी हो गई, कोड़े पड़ गए ऐसा कुछ, तो उसके पूरे शरीर से सब कुछ निकल रहा है, पूरा बीमार है। लेकिन उसकी वो पत्नी जो है ना एकदम पतिव्रता स्त्री है शीलावती, लेकिन इसको दूसरी एक वेश्या पसंद है, इसको दूसरी एक औरत पसंद है जो वेश्या है। तो ये अभी नारी इतनी पतिव्रता है कि मेरे पति को वो पसंद है ना, तो ये जाकर वो वेश्या के पास जाती है और उसको रिक्वेस्ट करती है, देखो मैं ना मेरा पति तुमको बड़ा चाहता है, तुम ना उसकी इच्छा पूरी करो, मैं तुमको जो चाहिए वो दूंगी, मैं तुम्हारे घर पे नौकरानी की तरह काम करूंगी। तो इसका इतना पतिव्रत का ये भाव देखकर वो वेश्या बोलती है ठीक मेरा रोज का ही काम है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बोलती है कि मेरे पति को ना कोड़े पड़े हुए मतलब लेप्रसी हुआ है। तो फिर भी वो तैयार हो जाती है, चलो बोले तुम एक काम करो, उसको टोपली में डालकर, मतलब ये चल भी नहीं सकता उड़ भी नहीं सकता, लेकिन इसको एंजॉय करना है, तो ये पतिव्रता नारी टोपली में डालकर उसको लेके जाने के लिए निकलती है, ऐसा टोपली में भरती है उसको, और लेके जा रही है। तो अभी जब रास्ते से जा रही है, तो टोपली में जा रही है ना, तो नीचे अंधेरा है तो दिखता नहीं है, अचानक से एक जगह पर आके उसका तोल चला जाता है और वो गिर जाता है। तो जैसे ही गिरता है तो वो आदमी जो है नीचे गिरता है, और नीचे गिरकर वो मांडव्य ऋषि के ऊपर गिरता है जो सुली के ऊपर लटके हुए हैं, और क्योंकि कोई जोर से गिरेगा तो इतना दर्द होता है, और वो दर्द में फिर मांडव्य ऋषि शाप देते हैं कि जिसने भी मेरे साथ ये सब कुछ किया ना वो कल सुबह का सूर्योदय नहीं देख पाएगा, इसके बदले वो मर जाएगा। अभी शिलावती दुखी है, मेरे पति को शाप दिया है ना, अभी ये आई है ना वो पतिव्रता नारी है, प्रभु जी ने बताया ना पतिव्रता में बहुत शक्ति होती है, बहुत सामर्थ्य होता है। तो बोलती है ऐसा क्या, तो कल सूरज ही नहीं उगेगा, कल सूरज ही नहीं उगेगा, खत्म बात खत्म, सूरज जिधर है उधर ही रुक जाता है, इतनी शक्ति रहती है पतिव्रता में, है ना, इतने सब। तो ये स्टोरी ये सती अनुसार के आश्रम में इनको बताई जा रही है, समझ रहे।